क्या है तुझको? पी ले ना। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग इंद्रशी। बिजी बिजी, आज मेरा बर्थडे है भाई, और कन्नू ने मेरे लिए ना वो गिफ्ट किया है, केक। केक लेके आई है फ्रिज में से उठा के, बस है ना। आ गए पूजा। थैंक यू, पकड़िया। चलो केक कट करेंगे भाई। इधर आया बेटा। कैसे बंदे हैं ये? क्यों, क्या हो गया? क्या हो गया? क्या? अच्छा अच्छा अच्छा। गुड मॉर्निंग तनु, गुड मॉर्निंग रजत। पीनट्स रखो। तब लरे यार। लो पकड़ियो। प्लेट ले आई। बुखारम ये ना दे रहा है। प्लेट ले ना। गरम हो रहा है। ले ना। काम कर दिया। चलो याद हो गया था, वहीं पे खोलना बाबू स्कूल में। ठीक है, सुनाना मुझे ड्रिंक स्कूल में। और चिप्स शानू आपके भी रखा है सामान, ठीक है, आप भी बाद में खा लेना। ठीक है, लो कलो मोसा लेके आए थे दोनों के लिए।
दोनों के लिए लेके आई थी। लड़ाई मत बाय बाय। देखो इंद्रु भी बाय कर रहा है। या क्यों रख ली पूजा? जा छोड़ा फिर इन्हें जाओ की जाओ छोड़ा इन्हें जा। लविंदर स्वीश होगी और रोटी और चाय दी है पूजा ने। आज मेरा बर्थडे है, मेरी बहन आई है मुझे नाश्ता करवाने के लिए। देखो बिंदर श्री अभी तक सो रही है और नहाने का इसका नाम नहीं है। अब उठेगी तो नहलाऊंगी इसको। बच्चे आ गए स्कूल से, मैं अभी बाहर से बैग लेके आई हूँ दोनों बच्चों का, तो इसलिए लोग नहीं बना रहे। पूजा मौसी मेरे बर्थडे का सामान लेने गई है। ठीक है ये गुड़िया है। एप्पल दे दू पहले छील के? आजो एप्पल भी खा लेना या पहले रोटी खा लो गरम गरम, मेरे को भी पसीना है। फिर आ जाओ आराम से, सामान रह गया होगा कुछ, पानी की बोतल रह गई। हो हेलो गाइस, कोई बात नहीं। अब ये करो अक्षित, चिपट गया चल पीछे हो। अक्षित कपड़े जल्दी से पापा को कपड़े दे दो, पापा बाहर मशीन लग रही है। इसको कपड़े पहनने आपके, ये देखो भाई ये देखो। कनु आते ही इंद्रश्री का लाड करती है, इंद्रश्री से प्यार करती है, शोरी है। उठाना मत प्लीज, फिर खाना नहीं बना पाऊंगी मैं। ठीक है अब पहले खाना खा लो फिर इसको खिला लेना। ठीक है दाल रोटी ले, दाल रोटी चावल भी लोगे? चावल भी, दाल चावल हाँ काली दाल है। लो भाई दाल रोटी, अभी रोटियां सेक रही हूँ, साथ में चावल भी हैं। थोड़े कल के बचे हुए थे वो गरम कर दिए मैंने, फ्रिज में रखे थे। लो लेके दाल। शानू यहाँ पे बैठ के खा लो खाना, आ जाओ जल्दी से घर बैठ के। गेट तो बंद कर गया, वापस स्टोर का जाओ। देखो भाई पूजा भी आ गई की। खाओ क्या क्या लेके आई? पहले तो मेरे सूट की तारीफ कर लो। हाँ सुंदर लगा सूट, चप्पल भी, चप्पल भी सुंदर लगी आज लाई। बढ़िया लगा दिया ये डोनेट बचा गए। हैप्पी बर्थडे। एक कनु का कनु कनु ले कनु हमारे लिए मैं क्या लाई हूँ। चलो सूट ऊंचा क्यों करवा लिया और नीचा होता पूजा सूट? रख ले केक आओ रख ले, इतनी थी इसकी लेंथ। शीशे चुभेंगे तेरे शीशे सूट के। अच्छा इसमें क्या लाई? मैं गुड़िया का भी लाई हूँ कुछ। दिखा क्या लाई? ये आपका सूट है। कौन सा सूट है मेरा? घर तो छोड़ दिया करो, एक आधा तक यहां डोनट है, एक तेरा एक कुन्नू का एक डोनट तो करो। सब ये सलवार ये तो घर का पहनना है। लोग ये आगे कपड़े छोड़ दोगे तो ना ट्राई करो। देखो खोल दे 3 to 6 months। ये तो सर्दिया माँ होगा बड़ा है। 3 to 6 months है। बड़ा है यो ऊपर का ताए लगा।
हाँ सुंदर है नाइट सूट है ठीक है रख दे बढ़िया सर्दियों जो ठीक है जो लो ब्याज दीदी आई हैं बहुत दिनों में एक सवा महीने में और आज आते ही हमारे बर्थडे वाले दिन पूरियां कर रही हैं कुछ पूरियां ये पैक करके रख दी हैं ये गरम पूरी लेगी ना शानू इधर लिया चलो आ जाओ तो आज हम दिखाते हैं क्या क्या बनाया है खाने में और प्लेट लिया ना प्लेट लिया और चलो अभी बच्चे खाना खा रहे हैं पकड़ बहन ने बुला ले बादल को तो पकड़ लो भाई पूरी ये बनाया है रायता मिक्स वेज पनीर राइस और पुलाव ये पुलाव तो आज ये इस खाने का राज बताती हूँ खाने का राज पुलाव और पनीर की सब्जी लेके आई बड़ी दीदी बना के घर से रायता और मिक्स वेज बनाई पूजा ने थोड़ी थोड़ी दी है छोड़ देंगे बिल्कुल मिक्स वेज और रायता बनाया पूजा ने मैं हमने पूरी उतारी है बस घर पे आज क्योंकि घर पे आज कोई था नहीं ना काम करने वाला या खाना बनाने के लिए मैं अकेली कैसे करती पनीर खा लेगी बहन फटिया कौन है यो पनीर तेरा क्यों फटेगा मेरा पनीर के डाला तेने इसमें बाद में हेलो जी राम राम सभी ने तो भैया आप सभी कैसे हो आज मेरा बर्थडे है और हम बहुत अच्छा घर पे ही सेलिब्रेट कर रहे हैं जैसा कि आपने देखा होगा कि मेरी दोनों सिस्टर जो है मेरे लिए कितना मतलब कितना सपोर्ट करती हैं कि खाना भी खुद लेके आई क्योंकि घर पे मैं नी गुड़िया के साथ इतना काम नहीं कर सकती दोपहर में मैंने बच्चों के लिए दाल चावल और ये सब किया था उसके बाद मेरे से अभी क्योंकि ज्योति गई है ना थोड़ा स्ट्रेस सा हो रहा था और वो रात को पहुंच गई तो उसकी वजह से मतलब जब तक वो लोकेशन पे नहीं पहुंची जब तक मेरे को नींद नहीं आई थी तो मैं जागती रही थी और कुछ गुड़िया रात को जो है जागती है तो इस वजह से ना मेरी नींद नहीं पूरी हो पाई थी आज मैंने खुद काम किया था दोपहर को भी सारा घर का भी जैसे तो फिर दीदी ने कहा कि घर पे ही सेलिब्रेशन कर लेंगे और मैं बना लूँगी कुछ पूजा बना लेगी और बाकी बचा यहाँ पे कर लेंगे अच्छा दुखी भी नहीं होना पड़ेगा परेशान भी नहीं होंगे तो अभी सब जने मतलब घर पे ही खाना खा रहे हैं तो आपने देखा कि इतने अच्छे अच्छे सब्जी बना रखे घर की और एक स्पेशल चीज़ ये है कि आज के दिन बारिश भी इतनी तेज हो रही है क्योंकि यहाँ पे कई दिन से बारिश नहीं हुई थी बल्कि सोनीपत हरियाणा साइड तो काफ़ी ज़्यादा हो रही थी इधर बारिश नहीं हो रही थी और इतनी गर्मी हो रही है अभी लाइट भी नहीं है और मैंने ये वाला ही सूट वेयर किया है क्योंकि जो मैंने 3-4 सूट सिलवाए थे वे सब मैंने पहन लिए और बाकी सब कपड़े प्रेस पे गए हैं और कोई पुराने मतलब पहनने का मन नहीं है कुछ आते ही नहीं है अभी थोड़े टाइट हैं सूट और ये सूट पानी में धो लिया धोना नहीं था इजी वो था ये क्या कहते हैं ड्राई क्लीन होना था सारा सूखड़ गया कोई नहीं अब देखती उसको ड्राई क्लीन करवाऊँगी थोड़ा बहुत फ़र्क लगेगा तो पहन के तो आज का पता स्पेशल बर्थडे मतलब जब ज्योति की टिकट वगैरह हो रही थी ना तो मैं यूँ कह रही थी बहन तेरे बर्थडे वाले दिन तो मतलब वो 25 तारीख की रात को गई है और 26 मैंने कहा तेरे बर्थडे वाले दिन तो पता नहीं हम मतलब अपने बर्थडे वाले दिन पता नहीं हम बर्थडे मना पाएंगे नहीं मना पाएंगे क्योंकि जब तक तू अमेरिका नहीं पहुंच जाती सही सलामत ठीक ठाक तो जब तक हम मतलब नहीं केक वगैरह काटेंगे ज्योति ने इतना हौसला दिया और बोली बहन तू चिंता मत कर तेरा केक मैं अमेरिका में ही काटूंगी और उस टाइम मैं अमेरिका में होगी तू जन्मदिन मनाना अपना उस दिन ये बात बोली थी और भगवान ने देखो कितनी अच्छी सुनी कि वो कल ही पहुंच गई और
आज हम केक काटेंगे, तो उसने स्पेशल बोला है कि मतलब अमेरिका वाला केक काटना है, क्योंकि उसका बहुत सपना था, बहुत दिनों से उसका सपना था कि मैं फॉरेन विदेश जाऊं, और सपोर्ट करने वाला उसको कोई नहीं मिल रहा था, क्योंकि जब गुड़िया हो गई थी ना तो ये बोला था कि बी वीज़ा किसी का भी रह सकता है, और लग गया तो दोनों का भी लग सकता है, तीनों का भी लग सकता है, तो इस ऐसे मतलब वो था कि भाई अगर मान लो हमारा लग गया तो गुड़िया का, तो मैंने उसको बोला कि गुड़िया को मैं रख लूँगी आराम से, तू अपना जा और जो तेरा मोटिव है, जो तेरा काम है वो तू कर, मैं गुड़िया को रखूँगी। इसके बारे में सारी नेक्स्ट व्लॉग में बात करूँगी, क्या बातें हुई थी हमारी क्या नहीं। तो भी गर्मी बहुत हो रही, देखियो पसीना वसीना आ रहा है। बस टेप तक इंडिया का झंडा तो बोलो बोल दी टाइम में थोड़ी सी शर्म कर लिया, अगर आदमी भूखे ही गाते आगे हाँ जी दोस्तों, यहाँ पूजा की और मेरी थोड़ी बेइज्जती हो गई थी। तो भाई केक मैंने इसको केक बनना दिया था, और मैंने कुछ और भी बोला था इसको, पर इसने वो सुना ही नहीं, और इसने बोला कि मैं भूल गई। अब काफ़ी चीज़ें ऐसा ही होता है, पूजा भूल जाती है और फिर मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। मैं तो बाहर कम ही जाती हूँ, पूजा को भेजती हूँ, कुछ भी सामान चीज़ लेना होता है ना तो पूजा को ही भेज देती हूँ, पर फिर भी मैंने इसको बोला चल कोई नहीं, और पूजा यहाँ पर गुस्सा हो गई थी मेरे से। तो अब हम केक सेलिब्रेट करेंगे भाई, अपने बर्थडे का केक काटेंगे आज, अमेरिका वाला केक काटेंगे। बहन पहुंच गई खुशी खुशी मेरी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मैंने तिरंगा लाई हमारी सबकी, मतलब विश्वास भी नहीं हो रहा कि हमारे बंदे अमेरिका में बैठे हैं। ओ आ गए भाई, और हो देखो शानू को देख लो, हाथ टमाटर है मेरा, जीरा पत्ती जो तुम आ जाओ ऊपर आ जा, हैप्पी बर्थडे अच्छा कर लो, झंडा खाना झंडा है अमरीका सानू, ए सानू इंद्रश्री ने ड्रिंक कर ली है ऊपर पंखे पहले पंखा पंखा देना है, ये सोचे पंखा दे देते केक भी काट दिया। चलो बहन तो केक खिला खाओ आ करो खिलाने कनू, ऐसे नहीं खाते बेटा, चार हाँ जी फ्रेंड्स, आज अपने बर्थडे की सेलिब्रेशन करते हुए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि मतलब मैं कितना मतलब इन्जॉय कर रही हूँ अपने बर्थडे को। ये इसलिए है कि मतलब घर पे भी इतनी खुशी हो रही है कि मेरी बहन जो है अमेरिका पहुँच गई है, और आज उसी की खुशी में हम जो है केक भी काट रहे हैं, और मेरा बर्थडे बहुत स्पेशल बर्थडे है आज मेरा। और इंद्रश्री को देखो कितनी क्यूट लग रही है, मैं तो इसको वीडियो में देख रही थी, वैसे तो मुझे दिख रही थी, अभी पता लगा मुझे ये पंखे को ही देखती रहती है।